क्वेश्चन सेज मिस अ अ अ डॉक्टर डॉक्टर हैविंग इन इन पेशेंट फैसिलिटी हर हॉस्पिटल इज इज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर शी और इनका हॉस्पिटल है इन पेशेंट फैसिलिटी का मतलब है कि इनके हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं और इनका ट्रीटमेंट होता है वी अंडरस्टैंड जैसे ये बातें चल रही हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये हेल्थ केयर सर्विसेज रिलेटेड बातें कर रहे हैं और वी अंडरस्टैंड कि हेल्थ केयर सर्विसेज आर एग्जेम फ्रॉम जी ठीक है ना डॉक्टर की सर्विसेज हॉस्पिटल की सर्विसेज नर्सिंग होम इंक्लूडिंग पैरामेडिक्स ठीक है इवन एम्बुलेंस की सर्विसेज इंक्लूडिंग एयर एम्बुलेंस ये सारी सर्विसेज एग्जाम होती हैं हाँ कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज की डेफिनेशन में नहीं आती उसको हम टेक्सीबल करते हैं चलिए देखते हैं आगे ये क्वेश्चन क्या कहता है शी अवेल्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फ्रॉम हर स्पाउस विदाउट एनी तो इन्होंने अपने स्पाउस से कुछ सर्विसेज ली हैं इंटीरियर डेकोरेशन की और कुछ कंसिडरेशन पे नहीं करा है स्केड्यूल वन की तरफ इशारा कर रहा है अभी शी ऑल्सो अवेल्ड आई टी रिलेटेड सर्विसेज फ्रॉम हर सिस्टर इन लॉ विदाउट एनी कंसिडरेशन बोथ सर्विसेज वर फॉर द पर्पज ऑफ हर प्रोफेशन इतना समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने किसी रिश्ते यहाँ पर रिश्तेदारों से ठीक है यहाँ पर अपने स्पाउस से सिस्टर इन लॉ से सर्विसेज ली हैं विच विदाउट कंसिडरेशन दीज़ आर वि और और तो हमें स्केड्यूल वन के बारे में पता है कि देर आर सर्टन एक्टिविटीज अगर वो विदाउट कंसिडरेशन भी हो अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो उसको हम डीम्ड सप्लाई मानते थे ठीक है कहां से मिले वो ठीक है इट शुड बी बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो या फिर रिलेटेड पर्सन से भी हो अब रिलेटेड पर्सन की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वहां पर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली रिलेटेड माना जाएगा आपको याद है मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली में कौन कौन आता है मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली में आते हैं स्पाउस और चिल्ड्रन स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट और नॉट ये दोनों ही कवर्ड है सेकेंड आते हैं पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी आते हैं क्या ये ग्रांड पेरेंट्स भी आते हैं और कौन आता है सिर्फ ब्रदर या फिर सिस्टर और ये सेकेंड वाले पॉइंट के बारे में बताया जाता है कि अगर वो डिपेंडेंट है देन दे आर सेट टू बी मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बस और कोई नहीं आता है स्पाउस और चिल्ड्रन वेदर दे आर डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट

ठीक ठीक uh, sort of है, 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 इन द कोर्स और ऑफ़ बिज़नेस विदाउट कंसिडरेशन भी है बट रिलेटेड पर्सन नहीं होते सिस्टर इन लॉ तो इस केस में स्पाउस वाला डीम सप्लाई होगा सिस्टर इन लॉ वाला डीम सप्लाई नहीं होगा ठीक है ऑल अभी मैं आगे हमने क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं बट फिर भी इस वीडियो का पर्पस है कि मैं आपको सारी इससे रिलेटेड चीजें कंसेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे वो दूसरी बात है हाँ बट जब आप एग्जाम्स में करेंगे एग्जाम्स में कैसे करना होता है एग्जाम्स में स्पेसिफिकली जब आपको वो शुरू के 15 मिनट्स मिलते हैं तो आपको केस स्टडी ना एक बार बहुत रफली जल्दी से रीड आउट कर लेनी चाहिए जल्दी से रीड आउट कर लेनी चाहिए और उसके क्वेश्चंस भी देख लेने चाहिए एक बार ठीक है फर्स्ट टाइम अभी आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसको बट वो शुरू के आपको फिफ्टीन मिनट्स जब मिलते हैं ना तो एक बार रीड आउट कर लिया कीजिए हो सकता है कि उसको पढ़ते समय आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर ना हो या फिर कोई प्रोविजन्स आपको याद ना आ रहा हो इट्स ओके बट फर्स्ट रीडिंग में आपको बहुत जल्दी उसको रीड आउट कर लेना चाहिए और क्वेश्चंस देख लेने चाहिए जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछने वाला है अभी तो फिलहाल ये बहुत डिटेल्ड वीडियो है तो मैं आपको इधर उधर के सारे कंसेप्ट को रिवाइज कराता हुआ चल रहा हूं ठीक है चलिए हाँ और जब अपने एग्जाम्स में वो तो 15 मिनट्स में आपने रीड आउट कर लिया कर लिया होगा फिर जब आप एग्जाम्स में जब आप एक्चुअली इसको कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तब आपको अच्छे से वो केस स्टडी रीड आउट कर लेनी चाहिए ठीक है ओके मिस अदीशा प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज इन हर हॉस्पिटल हमें पता है कि डॉक्टर से रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज एक्ज होती है तो ये बहुत अलग अलग तरह की सर्विसेज देते हैं अपने हॉस्पिटल में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज ठीक है तीन पॉइंट्स बताए हुए हैं कि कुछ एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देते हैं कौन सी सर्विसेज प्लास्टिक सर्जरी टू इनहस द ब्यूटी ऑफ द फेस नाउ वी अंडरस्टैंड कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सर्विसेज होती है या प्लास्टिक सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी होती है फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पज इसको हम हेल्थ केयर सर्विसेज में नहीं लेते ये तो फॉर ब्यूटिफिकेशन पर्पज है तो एक लग्जरी टाइप ऑफ सर्विसेज है दिस इज ये textable हो जाता है हाँ बट अगर किसी का कोई एक्सीडेंटल पर्पज की वजह से अगर किसी की प्लास्टिक सर्जरी हो रही है तो दैट इज कवर्ड अंडर हेल्थ केयर उस केस में हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे वो एग्जेम हो जाएगा बट ब्यूटिफिकेशन पर्पज के लिए तो टैक्सेबल है तो दिस विल भी टैक्सेबल ठीक है इसको तो हम टैक्सेबल करने वाले हैं सेकेंड है

ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं ठीक है अगर आप भूल रहे होंगे तो प्लीज उसको जल्दी से याद करने की कोशिश कीजिए मैं आपको यहां पर रिवाइज करा देता हूं जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में जिसको हम इन पेशेंट्स भी बोल सकते हैं द तो पेशेंट्स एडमिटेड इन टू तो द हॉस्पिटल अगर हम इनको कैंटीन सर्विसेज देते हैं तो एग्जेप्ट है बट इनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को कैंटीन सर्विसेज देते हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा जैसे कि विजिटर्स को ठीक है विजिटर्स को अगर हमने सर्विसेज दी टैक्सेबल ठीक है जो विजिटर्स मतलब जो पेशेंट्स के रिश्तेदार होते हैं उनके रिलेटिव होते हैं वो लोग साथ में आते हैं या फिर हॉस्पिटल में रहते हैं तो अगर उन्होंने भी वहाँ से कुछ फूड वगैरह परचेज किया तो उसको टेक्सीबल करेंगे सेकेंड अगर पेशेंट्स ऐसे हैं जो एडमिट नहीं हो रहे हैं हॉस्पिटल में वो सिर्फ आ रहे हैं चेकअप वगैरह करा रहे हैं कंसल्टेशन ले रहे हैं और जा रहे हैं वापस ठीक है और उन्होंने सोचा कि भूख लग रही है इसलिए जाकर कैंटीन में उन्होंने कुछ चीज़ें परचेज कर ली जाकर तो कैंटीन में अगर

टी फाइव थाउजेंड फ्रॉम पेशेंट 25,000 फ्रॉम विजिटर्स फॉर द सेम फैसिलिटी विजिटर्स से भी ये दोनों ही सेबल करने वाले हैं हम लोग ठीक है समझ पा रहे हैं ना थर्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दोनों को ही टेक्सेबल कर दीजिएगा ओके okay. आगे क्या कहते हैं अच्छा क्वेश्चन है काफी शी फाइल्ड जीएसटीआर थ्री बी फॉर द मंथ ऑफ जून With सम errors. अब अभी मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं नॉर्मल बातें कर लेता हूं अगर हमने किसी भी कोई भी रिटर्न हमने फाइल की और उसमें हमने कुछ गलतियां कर दी तो क्या हम उस रिटर्न को वापस रिवाइज कर सकते हैं जीएसटी में द आंसर इज नो जीएसटी में रिटर्न रिवाइज नहीं होती तो सर हम गलतियां कैसे ठीक करते हैं जीएसटी लॉ में तो जीएसटी लॉ ये कहता है कि कोई बात नहीं आप जो नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें यह गलतियां ठीक कर दीजिए ठीक है सर अगर हम नेक्स्ट मंथ में भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं उसके नेक्स्ट मंथ कर दीजिएगा उसके नेक्स्ट मंथ कर दीजिएगा बट हाँ एक लिमिट के बाद एक टाइम लिमिट के बाद फिर आप नहीं कर सकते तो आपको ये याद होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है जीएसटी लॉ में कि आपने जिस किसी भी ईयर में कोई भी गलती कर दी है लेट से ये फाइनेंशियल ईयर है ट्वेंटी ट्वेंटी वन लेट से ठीक है इस साल आपने कोई भी रिटर्न में इस साल की कोई भी किसी भी मंथ की रिटर्न में आपने गलती कर दी है तो आप चाहे तो उसको इसी साल ठीक भी कर सकते हैं चाहे तो आप नेक्स्ट ईयर तक भी ठीक कर सकते हैं तो नेक्स्ट ईयर हमें कितना टाइम मिलता है वो ये कहते हैं कि जब नेक्स्ट ईयर शुरू हो, हो जाता है नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है तो जब सेप्टेंबर की रिटर्न तक नेक्स्ट ईयर के सेप्टेंबर की फॉलोइंग ईयर ठीक है नेक्स्ट ईयर के सेप्टेंबर की रिटर्न जब जाएगी तब आप इसको ठीक कर सकते हैं तो सेप्टेंबर की रिटर्न कब जाती है आपको पता है हर मंथ की रिटर्न अगले मंथ की बीस तारीख तक जाती है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्वेंटी अक्टूबर तक आप इसको ठीक कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट ईयर के सेप्टेंबर के रिटर्न बट हां अगर आप इससे इस पहले आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी अपनी तो एनुअल रिटर्न के बाद तो ठीक नहीं कर सकते हैं ठीक है तो हम इसको ऐसा बोलते हैं कि ये आप इसको ठीक कर सकते हैं सितंबर के रिटर्न तक जो कि एक्चुअली 20 अक्टूबर डेट होती है उसकी वहां तक आप इसको फाइल करेंगे और बिफोर फाइलिंग योर एनुअल रिटर्न एनुअल रिटर्न थर्टी फर्स्ट नेक्स्ट ईयर पक्का ना आपको इस साल के बाद जब ये ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद एनुअल देखो नाम से समझ में आ रहा है एनुअल रिटर्न ठीक है इस पूरे साल की इंफॉर्मेशन इसके इस ईयर के खत्म होने के बाद जाती है और नाइन मंथ्स का टाइम मिलता है कि आप नाइन मंथ्स तक आप इसको फाइल कर सकते हैं एनुअल रिटर्न को तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक आप इसको थर्टी फर्स्ट दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक फाइल कर सकते हैं ठीक है सर क्या एनुअल रिटर्न को पहले भी फाइल कर सकते हैं हाँ ये तो थर्टी तो फाइल करना चाहें थर्टीथ नवंबर को करना चाहें पंद्रह नवंबर को करना चाहें अक्टूबर में करना चाहें अगस्त में करना चाहें कभी भी कर सकते हैं बट थर्टी दिसंबर तक आप इसको फाइल कर दे कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति ने एनुअल रिटर्न अपनी पहले से फाइल कर दी इस सितंबर की रिटर्न से भी पहले फाइल कर दी है उसके बाद तो फिर वो ठीक नहीं कर सकता है उसके बाद कोई एरर ठीक नहीं कर सकता है तो यहां पर ये यह लिखा गया कि अगर आपका कोई भी एरर हो जाए तो आप उसके नेक्स्ट रिटर्न में ठीक है इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ या उसके बाद वाला मंथ कभी भी आप इसको ठीक कर सकते हैं बट मैक्सिमम जब पूरा ईयर ये खत्म हो जाता है उसके बाद भी आप इसको ठीक कर सकते हैं बट सितंबर के बाद सितंबर के रिटर्न के बाद नहीं ठीक कर सकते सितंबर की रिटर्न कब जानी है 20 अक्टूबर तक और अगर आपने इससे अगर एनुअल रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करी है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो 20 अक्टूबर तक आप इसको ठीक कर सकते हैं बट अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दी है तो सॉरी एनुअल रिटर्न के बाद तो कुछ नहीं होगा फिर चलिए देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है शी फाइल थ्री वी फॉर द मंथ ऑफ जून विद सम एरर्स कुछ एरर्स के साथ जून की रिटर्न फाइल की गई कोई बात नहीं ये हम ठीक कर सकते हैं ठीक है जून की रिटर्न रिवाइज नहीं होगी बट नेक्स्ट मंथ में ठीक हो सकता है

अगर ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जून वाला जो एरर है क्या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं के बाद भी ये हो सकता है, जब तक September की रिटर्न की रिटर्न कब तक जाएगी बीस अक्टूबर तक और एनुअल रिटर्न की एक्चुअल फाइलिंग डेट क्या थी इस क्वेश्चन में थर्टी फर्स्ट अक्टूबर विच इज अर्लियर तो यहां पर एनुअल रिटर्न थर्टी फर्स्ट दिसंबर क्या था वो तो ड्यू डेट थी बट हम ये क्या कहते हैं कि एनुअल रिटर्न कब फाइल हुई ये बता दीजिए एनुअल रिटर्न फाइल हुई थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को विच एवर इज अर्लियर मतलब कि बीस अक्टूबर और थर्टी फर्स्ट अक्टूबर बीस अक्टूबर ठीक है बीस अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट ईयर ठीक है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बाद वाला जो बीस अक्टूबर आएगा मतलब फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ऐसा कह सकता हूँ बीस अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक आप इसको ठीक कर सकते हैं ठीक है याद है ना आपको ये प्रोविजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मिस मिसीशा थर्टी फर्स्ट जुलाई देखो आपसे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में भी शायद पूछ लेगा लिखा हुआ है प्रॉपर ऑफिसर ने जीएसटी ऑफिसर ने इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया सुमोटो मतलब ऑन इट्स ओन मोशन ठीक है कैंसिल कर दिया थर्टी फर्स्ट जुलाई को

अगस्त को ठीक है जब से ऑर्डर आया उससे दिन दिन आपको मिलते हैं के के अंदर आप रिवोकेशन लिए एप्लीकेशन उसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं था जीएसटी एक्स्ट्रा था अगर होगा तो मतलब कुछ एग्जाम तो उसके ऊपर जीएसटी तो नहीं लगेगा जो टैक्सेबल होंगे उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा

फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज अ डीम्ड सप्लाई बिल्कुल क्योंकि स्पाउस तो रिलेटेड की डेफिनेशन में आ गए विदाउट कंसिडरेशन था सर कोई बात नहीं स्केड्यूल वन कवर करता है इसको विदाउट कंसिडरेशन भी होगा इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए वो था वहां पर ठीक है रिलेटेड पर्सन से होना चाहिए तो रिलेटेड पर्सन से था या डीम डिस्टिंग पर्सन से होना चाहिए यहाँ पर रिलेटेड पर्सन से था तो स्पाउस रिलेटेड में आता है ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड बोला सर्विस अवेल्ड फ्रॉम अर सिस्टर इन लॉ इज अ डीम्ड सप्लाई नहीं सिस्टर इन लॉ वाली डीम्ड सप्लाई नहीं मानी जाएगी बिकॉज सिस्टर इन लॉ तो रिलेटिव है नहीं तो यहां पर ये तो डीम सप्लाई नहीं होगा ये तो गलत है स्टेटमेंट सर्विस अवेल्ड फ्रॉम स्पाउस इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई नहीं सर वो तो डीम्ड सप्लाई है फर्स्ट में हमने बोल दिया साफ साफ डीम्ड सप्लाई है ये स्टेटमेंट तो गलत है दिस अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट सर्विस फ्रॉम सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई हाँ ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन था ठीक है विदाउट कंसिडरेशन था और रिलेटेड पर्सन से भी नहीं है तो ये तो डीम्ड सप्लाई नहीं हो सकता इट इज नॉट अ डीम्ड सप्लाई ये भी सही है तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है तो फर्स्ट एंड फोर्थ फर्स्ट वाला ए पोर्शन हमारा ये सही ऑप्शन है ए ठीक सब है सबको समझ में आता है सेकेंड कंप्यूट द टेक्सीबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बाईशा अब देखो कैंटीन में हम लोगों ने देखा था जो इन पेशेंट्स को पेशेंट हुआ उनके उनको उसके ऊपर टेक्सीबल नहीं करेंगे बट जो विजिटर्स थे या फिर ऐसे पेशेंट्स जो एडमिटेड नहीं हुए थे हॉस्पिटल में सिर्फ वो चेकअप वगैरह कराने आए होंगे और वापस जा रहे हैं घर अपने ठीक है उनके लिए टेक्सीबल कर देंगे तो हमने वहां पर लिख भी लिया था ये बातें कैंटीन वाली सर्विसेज थी यहां पर यहां पर कैंटीन की बातें हुई थी फिफ्टी फाइव थाउजेंड पर टैक्स नहीं लगाएंगे वो एग्जाम था इन पेशेंट था बट थर्टी फाइव थाउजेंड पर टैक्स लग जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर टैक्स लगा थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी थाउजेंड तो हो जाएगा थाउजेंड सी पोर्शन सही आ रहा है ठीक है तो मैं यहां पर लिख भी देता हूँ तो आपका ट्वेंटी फाइव और थर्टी फाइव थर्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये था 60,000 थाउजेंड करेक्ट आंसर इन पेशेंट्स वाला होगा इन पेशेंट्स वो एग्जाम होगा ठीक है ओके नेक्स्ट पूछा गया मिस अदीशा शुड हैव अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय ठीक है थर्टी डेज मिलते हैं ठीक है जब से नोटिस इसका सर्व हुआ सर्व हुआ वहां से थर्टी डेज ऑर्डर सर्व हुआ था फिफ्थ अगस्त को तो फिफ्थ अगस्त से थर्टी डेज आप लगा लीजिए ठीक है फिफ्थ से फोर्थ से फोर्थ से फिफ्थ से फिफ्थ नहीं मानते एक दिन पहले ले, ले लेते हैं फोर्थ से रिवोकेशन के लिए थर्टी डेज के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए तो फोर्थ सेप्टेंबर करेक्ट था यहां पर मैं लिख देता हूं थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर सर्व जब से आपको ऑर्डर ये सर्व हो जाता है वहां से थर्टी डेज नेक्स्ट है मैक्सिमम टाइम परमिसेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन द मंथली रिटर्न ऑफ जून इस अब देखो जून की जो रिटर्न है इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं जून की रिटर्न को ठीक नहीं कर सकते बट नेक्स्ट रिटर्न में इसको जाकर हम ठीक कर सकते हैं जो भी गलतियां है, करते हैं हम लोग तो हम लोग जानते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर होता है नेक्स्ट ईयर की सितंबर की रिटर्न जो जाती है जो जाती है बीस अक्टूबर को ठीक है नेक्स्ट मंथ के बीस तारीख को और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्यर तो डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तो होती है ड्यू डेट तो होती है थर्टी दिसंबर बट डेट ऑफ फाइलिंग एक्चुअल कब वो फाइल हुई थी तो हमने यहां पर देखा था कब फाइल हुई थी वो

नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज हैजिन अफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टेक्सीबल सप्लाई इफ अच्छा क्या डिस्काउंट अलाउड होता है जीएसटी में वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं द आंसर इज येस सेक्शन फिफ्टीन जब हम पढ़ते हैं याद आता है आपको सेक्शन फिफ्टीन वैल्यू का जब सेक्शन 15 हम पढ़ते हैं तो वहां पर डिस्काउंट के बारे में बोला जाता है कि डिस्काउंट अगर पहले से डिसाइड हो गया था ठीक है पहले से आपने जब आप सप्लाई कर रहे थे या उससे पहले पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था

ये बातें बातेंड हो और साथ साथ में रेसिपियंट प्रशन आई टी सी रिवर्स भी करे तो हम डिस्काउंट दे देते हैं वैसे तो वो अगर उसने नहीं लिया तो अच्छी बात है अगर ले लिया तो रिवर्स भी करे तो लिखा हुआ है डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज अफेक्टेड इज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ ठीक है डायरेक्ट कब कर सकते हैं सच डिस्काउंट इज गिवन एट पर द एग्रीमेंट एंटेड इन टू एट और बिफोर द सप्लाई ये बात बिल्कुल सही है हमने पहले से ही एग्रीमेंट कर लिया हो कि डिस्काउंट आपको मिलेगा पहले से ये बातें पता हो जानी सप्लाई से पहले या जब सप्लाई कर रहे हैं तब अगर आफ्टर सप्लाई होगा तो नहीं माना जाता तो इट शुड बी बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई सच डिस्काउंट इज लिंक टू द रिलेवेंट इनवाइस बिल्कुल सही बात है ठीक है वो से रिलेटेड होना चाहिए इन्वॉइस मेंशन भी होना चाहिए ट आई टी सी इज रिवर्स बाय द रेसिट ऑफ सप्लाई भी बात बिल्कुल सही है ठीक है क्योंकि अगर आप डिस्काउंट है वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं कम अमाउंट पर जीएसटी देंगे अब ऐसा नहीं है कि रेसिपियंट पूरे अमाउंट पर जीएसटी लेकर बैठेगा नहीं उसको प्रोपोर्शनली रिवर्स भी करना पड़ेगा थर्ड पॉइंट भी सही है तो तीनों ही पॉइंट सही है यहां पर तो तीनों का आएगा डी पॉइंट ये हमारा आंसर सही होगा वन टू थ्री ठीक है तो यहां पर इसके एम सी क्यूज थे अच्छे एमसी क्यूज थे इनफैक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज वाला एक अच्छा केस स्टडी था चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जीएसटी के दैट इज फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर वन कहता है अनंत प्राइवेट लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम ठीक है इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड टेक्सिबल सप्लाईज इन द टेक्स पीरियड तो ये इनकी टेक्सिबल सप्लाई है

इंटरस्टेट की है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की तो हम जब परचेज करके लाते हैं तो जितना भी हमने इसके ऊपर जीएसटी पे किया होगा उसका भी आई टी सी हमें मिल जाएगा इंटरस्टेट से हमें सी जी एस टी और एस जी एस टी मिलेगा और इंटरस्टेट से आई जी एस टी मिल जाएगा ठीक है द कंपनी तो, हमारे पास सी जी एस टी का बैलेंस है 57, 000, एस जी एस टी का बैलेंस है नील और आई जी एस टी का बैलेंस है ठीक है तो इस पर्टिकुलर टेबल से हमें मिलेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी और यहां से हमने परचेस किया है ये भी हमारा आई टी सी में ऐड हो जाएगा और ये फर्स्ट बातें जो बता रहा था ये हमारे आउटवर्ड सप्लाई है तो यहां पर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है ठीक है आउटपुट टैक्स हमारा आ जाएगा कुछ नोट गिवन है क्वेश्चन में

ट लिमिटेड फॉर दीरियड मेक सुटेबल एजमशन ये हमसे पूछ रहा है कि हमें कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा ठीक है और इस, इस तरीके से बताइए जो हमारी मिनिमम लाइबिलिटी बने कैश में पे करने की यानी कि यह चाह रहे हैं कि जो भी हमारा आउटपुट के ऊपर जो हम जीएसटी दें माइनस आई टी सी करने के बाद तो ये हमारा जो भी कैश में पे करे वो मिनिमम हो आउटवर्ड टेक्स माइनस इनवर्ड टेक्स हमारा मिनिमम टेक्स चाहिए ठीक है तो यहां पर हम लोगों को इसको सॉल्व करना है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं नंबर वन तो मेनली पहले मैं आपको बता दूं कि हमें करना क्या है देखिए सबसे पहले हमें अपना आउटपुट जीएसटी देखना होगा कि हमारा आउटपुट जीएसटी कितना है ये एक मिनट के लिए रफ में आपको बता रहा हूँ आउटपुट जीएसटी देखना पड़ेगा फिर माइनस देखना पड़ेगा कि हमारे पास इनपुट जीएसटी कितना है इनपुट जीएसटी मतलब हमारे पास आईटीसी का बैलेंस कितना है और आईटीसी के एक्चुअली हमारे पास दो बैलेंस है एक तो ओपनिंग बैलेंस है प्लस हमने जो परचेजेस किया है उसके ऊपर हमारे पास आईटीसी मिला होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ये हमारा आईटीसी बन जाएगा जितना भी हमारा आउटपुट जीएसटी है माइनस आईटीसी जब हम जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी आ जाती है पे करने के लिए तो सबसे पहले हमें आउटपुट जीएसटी देखना होगा और फिर आईटीसी देखना होगा या फिर एक काम करते हैं पहले हम अपना आईटीसी कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना आईटीसी अवेलेबल है ठीक है तो लेट से आई अवेलेबल किस क्या नाम है एस का अनंत प्राइवेट लिमिटेड ठीक है आईटीसी अवेलेबल अनंत प्राइवेट लिमिटेड तो एक तो हमारे पास सी जी एस टी का आई टी सी है एस जी एस टी का आई टी सी है और आईजीएसटी है ठीक है आपको तीनों अलग अलग लिखने पड़ेंगे कि हमारे पास कितना आई टी सी अवेलेबल है फर्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था सी जी एस टी था हमारे पास दिस इज द ओपनिंग बैलेंस फिफ्टी सेवन थाउजेंड सी जी एस टी एस जी एस टी नहीं था और आई जी एस टी सेवनटी थाउजेंड थावन ने थाउजेंड ओपनिंग एस जी एस टी कुछ नहीं था आई जी एस टी सेवेंटी थाउजेंड था दिस इज ऑल इन रुपीज ये सब रुपीज में है प्लस हमने परचेजेस की है तो हमारे पास यहाँ पर भी जीएसटी आया होगा तो हमने सेम स्टेट से परचेस की है यहाँ पर हमारा परचेस का डिटेल्स है इंट्रा स्टेट परचेस हमारे पास टू लाख रुपीज की परचेज है इसके ऊपर हमने सी जी एस टी और एस जी एस टी पे किया होगा उसका आई टी सी मिल जाएगा तो टू लाख का नाइन परसेंट सी जी एस टी और टू लाख का नाइन परसेंट एस जी एस टी भी मिल जाएगा तो हमारे पास आएगा टू लाख नाइन परसेंट एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड हमारे पास यहां पर सी जी एस टी आएगा एटीन थाउजेंड एस जी एस टी आएगा कैसे आया ये टू लाख की जो परचेज की थी उसके ऊपर नाइन परसेंट का सी जी एस टी था और टू लाख की परचेज की थी नाइन परसेंट का एस जी एस टी था ठीक है ये तो हुआ हमारा इंटरेस्ट परचेज से जो हमें मिला और फिर हमें मिलेगा इंटरस्टेट परचेज से भी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की परचेजेस हैं इसके ऊपर एटीन परसेंट का रेट लगेगा आई जी एस टी का तो फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर आप एटीन परसेंट लगा देंगे तो आई बिलीव इन नाइन थाउजेंड हो जाता है ठीक है एक सेकेंड दीजिएगा टोटल हमारे पास आ जाता है टोटल आईटीसी सीजीएसटी का हो जाएगा फिफ्टी सेवन थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड का सीजीएसटी का आईटीसी हो गया ठीक है सबको समझ में आ गया एस जी एस टी टोटल एंड दिस सेवेंटी नाइन थाउजेंड तो ये हमारे पास आ जाता है कि टोटल आईटीसी हमारे पास कितना अवेलेबल है तो वी हैव सीजीएसटी का आई टी सी एस जीएसटी का आई टी सी और आईजीएसटी के आई टी सी ये अमाउंट आ गया अब हमें देखना है कि हमारी लाइबिलिटी कितनी बन रही है सबसे पहले अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर अपनी लाइबिलिटी निकालेंगे और जितनी भी लाइबिलिटी आएगी उसमें से फिर हम अपना आई टी सी यूज कर लेंगे और आई टी सी यूज कैसे करते हैं याद होगा आपको सबसे पहले हमें आईजीएसटी का आई टी यूज करना होता है सबसे पहले हमें सेवेंटी नाइन थाउजेंड यूज करने होंगे ठीक है तो आई जी एस टी का आई टी सी कैसे यूज होता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको जीरो करना पड़ेगा आप ऐसे नहीं कि आप ये दोनों आई को आप टच नहीं करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैज टू हैव टू एंटायरली यूज दिस सेवनटी नाइन थाउजेंड सेवेंटी नाइन थाउजेंड को पहले पूरी तरीके से यूज कीजिए आप आई जी एस टी के आई को पहले कहाँ पर यूज करते हैं आई जी एस टी में और फिर बाद में आप सी जी एस टी और एस जी एस टी में किसी में भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से यूज कीजिएगा जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो यानी कि आपकी मिनिमम कैश पे करने की लाइबिलिटी आए चलिए देखते हैं इसको अब हम देखते हैं जीएसटी पेबल हमारा कितना आता है जीएसटी पेबल फॉर द टैक्स पीरियड ओके हमें पे करना पड़ेगा सीजीएसटी भी वी हैव टू पे एसजीएसटी आल्सो और आईजीएसटी भी पे करना पड़ेगा सबसे पहले जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई पर कितना हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा तो सबसे पहले अपनी आउटवर्ड सप्लाई देख लीजिएगा यहां से हमारी आउटवर्ड सप्लाई आ रही है और हमने इंटरस्टेट सप्लाई की है एट लाख रुपीज की इसके ऊपर नाइन परसेंट सी जी एस टी पे करना है नाइन परसेंट एस जी एस टी पे करना है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वी हैव डन ऑफ रुपीज थ्री लाख ड्यूरिंग द टेक्स पीरियड थ्री लाख ,00 के ऊपर वी हैव टू पे एटीन परसेंट ठीक है तो सबसे पहले एट लाख के ऊपर नाइन परसेंट सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज आएगा सेवेंटी टू थाउजेंड हमें सी जी एस टी पे करना है दिस इज एट लाख के ऊपर नाइन परसेंट दिस इज अगेन सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज इसके ऊपर भी पे करना पड़ेगा एट लाख ,00 की जो इंटरेस्ट रेट सप्लाई की है उसके ऊपर नाइन परसेंट और इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्री लाख के ऊपर एटीन परसेंट थ्री लाख के ऊपर एटीन परसेंट हमें यहां पर पे करना है फिफ्टी फोर थाउजेंड रुपीज ठीक है क्लियर हो गया सबको तो वी हैव टू पे सी जी एस टी सेवेंटी टू एस जी एस टी सेवेंटी टू और आई जी एस टी फिफ्टी फोर थाउजेंड बट वी हैव आई टी सी ऑल्सो तो क्या हम इतना पे कर देंगे कैश लेजर से नहीं सबसे पहले अपनी टैक्स पे करने के के लिए हम अपना आई टी सी यूज करेंगे तो वी हैव आई टी सी ऑल्सो सबसे पहले ये यूज करेंगे और इसमें से भी फर्स्ट ऑर्डर में क्या यूज़ होगा आई जी एस टी तो सेवनटी नाइन थाउजेंड का आई जी एस टी यूज़ कीजिए अब सेवनटी नाइन थाउजेंड का आई जी एस टी यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इसको हम आई जी एस टी को ही पे करेंगे इससे तो सबसे पहले इसमें से लेस करेंगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्स्ट वी विल यूज आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर लीजिए तो आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले किसमें यूज होगा आईजीएसटी में ही होगा तो आईजीएसटी में मुझे फिफ्टी फोर थाउजेंड चाहिए फिफ्टी फोर थाउजेंड पे करना है एंड वी हैव सेवेंटी नाइन थाउजेंड मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस में पैसा है आई टी सी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी सेवेंटी नाइन थाउजेंड होंगे बट मुझे फिफ्टी फोर थाउजेंड पे करना है तो फिफ्टी फोर थाउजेंड तो पूरा पे कर देते हैं इसमें से तो इसमें से मैं फिफ्टी फोर थाउजेंड आई टी आई जी एस टी का क्रेडिट फिफ्टी फोर थाउजेंड पूरा का पूरा पे कर देता हूँ अब प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर आई जी एस टी पे करना था फिफ्टी फोर बिकॉज यू ऑलरेडी हैव आई टी सी ऑफ आई जी एस टी तो आप इसको यूज़ कर लेंगे पूरा और उसके बाद भी आपके पास बैलेंस बच जाएगा तो सेवेंटी नाइन थाउजेंड में से आपने फिफ्टी फोर थाउजेंड यूज कर लिया तो सेवेंटी नाइन थाउजेंड में से आपने फिफ्टी फोर थाउजेंड यूज़ कर लिया अभी भी आपके पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का टैक्स बचा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का आई टी सी बचा है प्लीज़ बताइए पहले आप इसको हम सी जी एस टी में यूज़ करें एस जी एस टी में यूज़ करें दोनों में से किसी में भी यूज़ कर सकते हैं बट ऐसा हम करेंगे कि हमारा मिनिमम टैक्स हमें देना पड़े अब जरा मुझे बताइएगा हमारा ये सेवेंटी नाइन थाउजेंड का यूज अभी सबसे पहले करना है फिफ्टी फोर थाउजेंड का ऑलरेडी यूज हो चुका है रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का अभी यूज करना बाकी है ठीक है चलो हम इन दोनों में से किसी में भी यूज कर लेंगे अब बाकी के टैक्स का क्या होगा बाकी का जो हमारे पास सी का आई है या एस का आई वो कहाँ पर यूज होगा वो एक दूसरे में तो यूज हो नहीं सकता हम इसको क्रॉस यूटिलाइजेशन तो नहीं कर सकते हम सी का पैसा सी जी एस टी में ही यूज कर सकते हैं ठीक है यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेवेंटी नाइन थाउजेंड में से फिफ्टी फोर थाउजेंड यूज हो गया सिर्फ थाउजेंड बच्चा एक काम करते हैं इन दोनों को आधा आधा दे देते हैं नहीं ऐसा नहीं करना है आपको आपको ये देखना है कि मुझे सबसे ज्यादा कहाँ पर जरूरत है आप इसको वहां पर यूज कीजिए अब देखिए सेवेंटी टू थाउजेंड का सी जी एस टी पे करने के लिए हमारे पास सफिशियंट आई टी सी है ठीक है सी के लिए हमारे पास सफिशेंट सी का आई टी सी है सेवनटी फाइव थाउजेंड यानी कि सी को तो ज़रूरत ही नहीं है आई जी एस टी का क्रेडिट की क्योंकि इसके पास तो अपना खुद का ही सेवेंटी फाइव थाउजेंड है इनफैक्ट तीन हज़ार एक्सेस है इसके पास तो ये बोलेगा सर मुझे मुझे ज़रूरत नहीं है आई जी एस टी की तो हमारे पास जो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का आई टी सी बच गया ना सबको समझ में आता है बिकॉज लॉ क्या कहता है सबसे पहले आप आई जी एस टी का फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज़ आई जी एस टी का क्रेडिट सेवेंटी नाइन थाउजेंड मुझे पहले यूज करना पड़ेगा जिसमें से फिफ्टी फोर थाउजेंड तो ऑलरेडी यूज हो चुका है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में देख रहा हूं कि मैं सी जी एस 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 टी तरफ यूज करू एस जीएसएस टीज करूँ दोनों ही अलाउड होते हैं दोनों में से आप किसी में भी यूज कर सकते हैं बट सीजीएसटी में यूज करने का फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सेवेंटी टू थाउजेंड लाइबिलिटी है बट वी ऑलरेडी हैव सेवेंटी फाइव थाउजेंड ऑफ सी जी एस टी पर एस जी एस टी में क्या है एस जी एस टी में सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज की लाइबिलिटी है और एस जी एस टी का क्रेडिट हमारे पास कितना है सिर्फ एटीन थाउजेंड यानी कि यहाँ पर हमें पैसे की जरूरत है तो एक काम करते हैं ये जो हमारे पास एक्सेस आईजीएसटी का क्रेडिट आ रहा है ना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का जो हमारे पास रिमेनिंग है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे जिससे कि हमारी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी आ जाए तो आप ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आई जी एस टी का क्रेडिट हमने आई जी एस टी का क्रेडिट यूज़ कर लिया है फिफ्टी फोर थाउजेंड इधर कर लिया है बाकी का अमाउंट यहाँ पर कर लेंगे कितना करेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पर कर लेंगे ठीक है यहां पर यूज नहीं करेंगे ठीक है दोनों में से किसी में भी यूज कर सकते थे बट एस इस तरीके से आपको यूज करना चाहिए जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको आप दे दीजिए और 25 हो गया नाइन थाउजेंड यूज आप क्या करें अब तो सर इसको तो यूज कर लिया अब इन दोनों को हम यूज कर लेंगे तो सबसे पहले सी जी एस टी का क्रेडिट यूज करें आई जी एस टी का आप कर चुके हैं सेकेंड हम लोग सी का क्रेडिट यूज कर लेते हैं सी का क्रेडिट देखिए सेवनटी फाइव है सेवनटी टू की जरूरत है क्योंकि सेवनटी टू हमारी आउटवर्ड लाइबिलिटी है तो पूरा का पूरा सेवनटी टू तो यूज हो जाएगा और हमारे पास तीन हजार रुपए फिर भी एक्स्ट्रा बचेंगे यहाँ पर थ्री थाउजेंड बचेंगे क्या हम उसको एस में यूज कर सकते हैं आंसर इज नो उसको हम एस में यूज नहीं कर सकते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सी टू एस या एस टू सी तो हो नहीं सकता ठीक है तो के यहाँ पर पूरे यूज हो गए सी जी एस टी का यहां पर यूज नहीं हो सकता यहां पर कोई जरूरत नहीं है और फिर हमारे पास एस जी एस टी का भी क्रेडिट है कितना था ऑलरेडी हमारे पास एटीन थाउजेंड रुपीज का वो हम एस जी एस टी में यूज कर लेंगे सी जी एस टी में यूज नहीं कर सकते आई जी एस टी की तो जरूरत ही नहीं है ठीक है बस हमारे पास अब क्या बचेगा सेवेंटी नाइन थाउजेंड का पूरा आई यूज हो चुका है एटीन थाउजेंड का एस जी पूरा यूज हो चुका है सेवेंटी फाइव थाउजेंड में से पूरा यूज नहीं हुआ सिर्फ सेवेंटी टू हुआ है अभी इसमें से थ्री थाउजेंड का आई टी थ्री थाउजेंड का आई अभी भी हमारे पास है ठीक है और हमारी रिलाइबिलिटी भी अब सेवेंटी टू थाउजेंड की तो पूरी हो गई हमें सी कितना पे करना पड़ेगा कैश लेजर से कुछ नहीं नल आई भी हमारा पूरा पे हो गया आई से ही तो वी डोंट हैव टू यूज कैश लेजर और कैश लेजर से हमें कैश में कितना पे करना पड़ेगा सेवेंटी टू थाउजेंड एस जी एस टी में से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो आई जी एस टी ने मदद कर दी अट्ठारह हजार एस जी एस टी खुद उसके पास था बट बाकी का अमाउंट तो पे करना पड़ेगा सेवेंटी टू थाउजेंड में से माइनस कर दीजिए ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन ट्वेंटी नाइन थाउजेंड रुपीज आपको कैश लेजर में से पे करना पड़ेगा ठीक है यानी कि इतना पैसा आपको पहले कैश लेजर में डिपॉजिट कीजिए और फिर वहां से पे कर दीजिएगा तो लाइबिलिटी टू बी पेड फ्रॉम कैश लेजर कैश लेजर में से आप ट्वेंटी नाइन थाउजेंड रुपीज आप पे कर देंगे ठीक है यहां पर यह हमारा हो गया है सोल्यूशन आप कुछ नोट्स दे सकते हैं यहां पर आप चाहें तो नोट्स फर्स्ट तो नोट दे सकते हैं आईजीएसटी क्रेडिट इज फर्स्ट यूटिलाइज एक तो आपने आई आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले यूज किया सेकंड आईजीएसटी क्रेडिट इज फर्स्ट यूटिलाइज्ड फॉर IGST liability and thereafter for SGST to, to use the ITC optimally. इससे कि आप मैक्सिमम फायदा उठा पाए आई टी सी का ऑप्टिमली ठीक है तो ये आपका आंसर आ गया यू कैन नोट इट डाउन मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ दिस इज योर आंसर वन अगर आप नोट करना चाहें तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं इसको नोट कीजिए मैं चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन आप यहां पर ये यह नोट कर सकते हैं सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन इजी क्वेश्चन था ओके क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर टू ए इट सेज ऑल्दो हमें क्या करना है इस एग्जाम में अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग थ्री क्वेश्चन क्वेश्चन वन तो कंपलसरी था ये तो कंपलसरी क्वेश्चन था और बाद में हमारे पास तीन क्वेश्चंस और गिवन है सेकंड थर्ड और फोर्थ सेकंड थर्ड और फोर्थ तो इन सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से हमें सिर्फ दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में बट अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं तो आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज क्वेश्चन सेकेंड ए इट मेसर्स फ्लो प्रो आ रजिस्टर्ड सप्लायर गो प्रो भी हो सकता था ओके मेसर्स फ्लो प्रो आ रजिस्टर्ड सप्लायर सोल्ड अ मशीन टू बीपी लिमिटेड ठीक है फॉलोइ इंफॉर्मेशन इन दिसन एक्सक्लूडिंग टेक्स एंड अदर चार्जेस मैं सीरियल नंबर टू एंड थ्री टू एंड थ्री में कुछ चीजें हैं जो हमने अभी एक्सक्लूड करी हुई है तो प्राइस मशीन का प्राइस है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस हमने किसी मैसेज फ्लो प्रो ने किसी थर्ड पार्टी से क्वालिटी चेक वगैरह इंस्पेक्शन चार्जेस कराए होते हैं हमें पता है सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई की मुझे लग रहा है ये बातें करेगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये ऐड होता है ठीक है जो भी सप्लायर की लाइबिलिटी होती है जो भी सप्लायर की लाइबिलिटी होती है चाहे वो रिसीवर ही डायरेक्टली पे कर दे थर्ड पार्टी को तो भी हम इसको ऐड करते हैं अपनी वैल्यू में एज पर सेक्शन फिफ्टीन तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस फाइव थाउजेंड के हैं यानी कि supplier की िटी थी सप्लायर की liability थी, प्रो बट द सेम में पढ़ते हैं जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई करते हैं तो जो भी सप्लायर की लाइबिलिटी है अगर उसको बायर भी पे कर देता है डायरेक्टली तो भी वो वैल्यू का पार्ट बनता है ठीक है दीज चार्जेज वर नॉट रिकॉर्डेड एन वॉइस इशूड बाय मेज फ्लो प्रो तो फ्लो प्रो ने इसको रिकॉर्ड नहीं करा बट इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था इसका वैल्यू का पार्ट बनेगा और साफ साफ लिखा हुआ है सीरियल नंबर टू में जो बातें हैं ठीक है थीके, इस वाले प्राइस में भी इंक्लूडेड नहीं है तो आपको करनी पड़ेंगी तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में फाइव थाउजेंड भी एड करेंगे ठीक है थर्टी थाउजेंड हो जाएगी हमारी वैल्यू इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे आगे बातें और देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन ठीक है ये क्या है डिलीवरी चार्जेस है मिस फ्लो प्रो हैज एग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट बीपी लिमिटेड प्रोमाइस तो यहां पर सप्लायर ने बोला था कि हम आपके वहां पे गुड्स डिलीवर भी कराएंगे तो डिलीवरी चार्जेस है ये भी यहां पर आपको ऐड करने पड़ेंगे सप्लायर की लाइबिलिटी है टू थाउजेंड रुपीज ये भी ऐड हो जाएगा सब्सिडी रिसीड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है सब्सिडी मिली है स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग जानते हैं सब्सिडी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिले ओनली फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं अपने प्राइस से ठीक है वो सब्सिडी अलाउड होती है वो आप माइनस कर सकते हो बट अगर हमें सब्सिडी इनके अलावा किसी और से मिले इफ वी आर गेटिंग सब्सिडी फ्रॉम अदर देन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा अगर हमें कहीं और सब्सिडी मिलती है तो उसको माइनस नहीं करते हैं तो फाइव थाउजेंड रुपीज की सब्सिडी है ये हमारा प्राइस रिड्यूस करेगी डिस्काउंट ऑफ टू इज

Of the अच्छा। ये नोट काफी इंपॉर्टेंट है अभी मैं कर देता, बट ये नोट में क्या लिखा जो आपको प्राइस दिया हुआ है नेट ऑफ सब्सिडी प्लीज आप पांच हजार माइनस मत कीजिएगा क्योंकि ये जो हमें 25000 फाइव थाउजेंड का प्राइस दिया गया है इट इज नेट ऑफ सब्सिडी नेट ऑफ सब्सिडी का मतलब ऑलरेडी इसमें सब्सिडी माइनस की जा चुकी है ठीक है अगर ये थर्टी थाउजेंड होता ठीक है इसमें सब्सिडी माइनस नहीं की होती तो हम करते हैं इसमें से बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी माइनस कर सकते हैं बट वो ऑलरेडी माइनस है तो प्लीज आप इसको माइनस नहीं कीजिएगा ठीक है इसको माइनस मत कीजिएगा साफ साफ दिया हुआ है प्राइस ऑफ द मशीन इज नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव तो हमें माइनस करना था ये ऑलरेडी माइनस है तो अब माइनस नहीं करेंगे तो हम इसको सिर्फ नोट देकर छोड़ देंगे प्लीज इस 5000 का कुछ मत कीजिएगा बिकॉज़ ये ऑलरेडी माइनस की जा चुकी हमें माइनस करना था बट ये जब ऑलरेडी माइनस ही कर दी है क्वेश्चन ने तो अब हम दोबारा से माइनस नहीं करेंगे वरना तो डबल इंपैक्ट हो जाएगा उसका ठीक है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मैसेस फ्लो

एज मैंशन प्राइज इन सीरियल नंबर वन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के ऊपर टू परसेंट डिस्काउंट है इसको माइनस करेंगे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टेक्सीबल सप्लाई ठीक है तो फटाफट निकाल देते हैं इसको आंसर टू ए कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ठीक है जिस तरीके से आप एग्जाम्स में लिखेंगे प्राइस ऑफ द मशीन सिंपल लिखिएगा प्राइस ऑफ द मशीन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसमें ऐड कर दीजिएगा इंस्पेक्शन चार्जेस डिलीवरी दि दिलि ऑफ फ्रेट चार्जेस अगर आप सेक्शन मेंशन करना चाहें तो एज पर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी लिख सकते हैं अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो ये जितना मैंने यहाँ पर मेंशन किया है सेक्शन 15। अगर आपको याद है सेक्शन 15 तो लिख दीजिए एग्जाम में अदरवाइज सेक्शन का नंबर छोड़ दीजिएगा इंस्पेक्शन चार्जेस कितने थे 5000 डिलीवरी चार्जेस 2000 तो so, दिस इज 5000 उंड थाउजेंड ठीक है सब्सिडी करें माइनस नहीं वो ऑलरेडी माइनस है इसलिए आप करने की जरूरत नहीं है बट लेस इसमें से कर दीजिएगा डिस्काउंट टू परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है दिस इज अलाउड ये डिस्काउंट अलाउड है तो ये फाइव 500 इसमें से रिड्यूस कर दीजिएगा हमारे पास आ जाएगा 25 फाइव प्लस थर्टी थर्टी टू माइनस फाइव हंड्रेड थर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ जाएगा दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी आप नोट दे दीजिएगा एक तो सब्सिडी के बारे में नोट दे दीजिए सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इज अलाउड एंड इट इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड फ्रॉम प्राइस ठीक है वो पहले से हमने रिड्यूस की हुई है प्राइस में से दूसरा अगर आप डिस्काउंट के बारे में नोट देना चाहें तो डिस्काउंट भी दे दीजिएगा डिस्काउंट इज ऑल्सो अलाउड एंड इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल कंडीशंस उंट डिस्काउंट discount. Discount के बारे में सारी कंडीशन सेटिस हैं लाइक क्या हो सकता था मतलब ये आप लिखना चाहें ये लाइन तो लिख सकते हैं, दरवाइस आप छोड़ सकते यहां पर ही क्वेश्चन पूरा हो गया लाइक इट इज गिवन बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्डेड ऑन द the invoice अच्छा ठीक तो है यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चन था आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा पूरा ठीक है सब्सिडी माइनस होती है बट क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस थी तो इसलिए हमने माइनस नहीं की बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी और सब्सिडी होती वो आप माइनस नहीं करेंगे ठीक है तो दिस इज टू ए आप नोट करना चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं

अब देखिए अगर देर इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम और वो उनका टर्न ओवर थ्रेशोर्ड लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो फिर उनका कंपोजिशन स्कीम वाला स्टेटस लैप्स हो जाएगा ठीक है और इसकी इंटीमेशन भी उनको देनी पड़ती है दैट दैट हैज नाउ क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट ये इनके लिए वन पॉइंट फाइव करोड़ लिमिट को वो क्रॉस कर गया था विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर कम्पोजिशन स्कीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर द आंसर इज नो नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता एज़ सून एज़ योर टर्नओवर क्रॉसस दैट लिमिट आप यहां पर नॉर्मल स्कीम में आ जाते हैं और आइडली यहां पर टैक्स पेयर को एक इंटिमेशन दे देनी चाहिए कि सर मेरा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर गया है तो अब मैं कंपोजीशन स्कीम में नहीं हूं और साथ-साथ में क्योंकि अब इनको आईटीसी भी मिलेगा जो भी ये सप्लाई करेंगे उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा इनको उसका आईटीसी भी मिलेगा तो इनको अपनी और uh, जो इनके पास स्टॉक uh, है ठीक है whether it is a form of raw material finished goods या work in progress उसका भी यहाँ पे डिटेल्स देनी होती है जिससे कि इनको आईटीसी मिल जाए तो यहाँ पर आंसर आएगा नहीं और आपको बताना पड़ेगा कि जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस होता है मैं लिख दूँ इसको चलिए मैं लिख देता हूँ। दिस इज आंसर 2 बी ना यहाँ पर लिखते हैं आंसर टू बी तो क्वेश्चन में पूछा क्या था क्वेश्चन में पूछा था कि वेदर विल ही बी अलाउड टू टैक्स कंपोजिशन स्कीम फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर द आंसर इज नो ठीक है क्वेश्चन आंसर इज नो ही कैन नॉट पे टैक्स As a composition register as a composition supplier for the remainder for the remainder of the year. और इसको इंटीमेशन दे देनी चाहिए आपको पता है सात दिन के अंदर अंदर इसको इंटीमेशन देनी होगी तो ही हैज टू गिव इंटीमेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर इन सेवन डेज From the date of crossing such limit of turnover, and also the details of the stock. whether in the form of form of raw material you have wip you finished goods within 30 days okay? तो ही कैनॉट पे टैक्स फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर अंडर एज अ कम्पोजिशन सप्लायर नो अब ये नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे और इनको इंटीमेशन भी देनी पड़ेगी और साथ साथ में एक और डिटेल देनी पड़ेगी कि इनका स्टॉक कितना था उस समय अब क्योंकि अब उसके ऊपर आई टी सी भी मिलेगा रॉमेटल के फॉर्म में डब्ल्यू आई बी के फॉर्म में और फिनिश गुड्स के फॉर्म में विद इन थर्टी डेज ठीक है तो दिस इज योर आंसर आप नोट करना चाहें नोट कर लिए ठीक है आपको नॉर्मल प्रोविजंस लिखने होते हैं आप उसको मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इट्स ओके इट्स परफेक्टली फाइन ठीक है ऐसा नहीं कि आपको डेट टू लैंग्वेज लिखनी है नहीं आपकी प्रोविजंस सेम होने ठीक होने चाहिए आपकी लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश प्लेन इंग्लिश लिखे इट्स मोर देन एक्सेप्टेबल ओके कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री ए इट्स एज कार्तिक एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जी ठीक है प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस टेक्स इनवाइज इश्यूड ऑफ मार्च लगता है टेक्स इनवाइज का क्वेश्चन होगा ये तो कार्तिक एंड कंपनी ने मार्च में कुछ इनवॉइस इश्यू करे उनकी डिटेल्स गिवन है हमें फर्स्ट पॉइंट कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाय चार्ज इन इनवॉय नंबर वन वॉज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड अगेंस्ट द एक्चुअल टेक्सीबल वैल्यू ऑफ टू लाख थर्टी थाउजेंड अब इन्होंने गलत पैसे चार्ज कर दिए वन में वैल्यू चार्ज करी है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की अगेंस्ट द एक्चुअल टेक्सीबल वैल्यू टू थर्टी की होनी चाहिए ज्यादा चार्ज कर दिया इस केस में तो इस केस में क्या होता है अगर आपने ज्यादा चार्ज कर दिया तो आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है अगर आपने कम चार्ज किया तो डेबिट नोट इशू करेंगे ज्यादा चार्ज कर दिया तो क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है

पॉइंट कहता है, वैल्यू चार्ज इन नंबर एट वॉज थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड एज ट्वेंटी यहां पर भी डेबिट नोट इशू होगा फर्स्ट वाले में क्रेडिट नोट इशू होगा फर्स्ट वाले में ज्यादा चार्ज कर दिया कम करना था कार्तिक एंड कंपनी आस्क यू टू आंसर फॉलोइंग शेल इशू अ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट अंडर सी जी एस टी एक्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन किसको इशू करना होता note, note? So है डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो हम लोग जानते हैं जो सप्लायर है गुड्स का या सर्विसेज का तो सप्लायर को इशू करना पड़ता है द आंसर वुड भी सप्लायर को इशू करना पड़ेगा ठीक है सप्लायर इशू करेगा तो इस केस में सप्लायर कौन है कार्तिक एंड कंपनी तो इन लोगों को इशू करना पड़ेगा सेकेंड पॉइंट से इस वेदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हैज बी इशूड इन ईच ऑफ दबाव सर्कमस्टांसेस तो आपको तीनों में बताना है पड़ेगा कि डेबि नोट इशू करना है या क्रेडिट नोट इशू करना है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है फर्स्ट केस में तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा ठीक है क्रेडिट नोट इशू कीचे क्योंकि आप और जा, आपने ज्यादा चार्ज कर लिया है आप उसको कम करिए ठीक है थीके? आपने कम करना पड़ेगा आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा डेबिट दोनों ही केस में डेबिट नोट ठीक है अगर आपने पहले कम चार्ज किया था अब और चार्ज करना है अगर आपको तो डेबिट नोट इसको सिंपल ऐसे समझिए देखिए नॉर्मल कैसे याद करेंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है सिंपल आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए वो वो ऑलरेडी आपको पता होता है अगर कस्टमर से हमें और पैसे लेने हैं तो कस्टमर को हम क्या करते हैं डेबिट ही तो करते हैं ना ठीक है कस्टमर से और पैसे लेने उसको बोलना है कि आप हमें और पैसे देंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं हम उसको डेटर बोलते हैं तो हमें उसको इसमें डेबिट नोट इशू करना है तो यहाँ पर हमने दोनों जगह पर कम पैसे उससे चार्ज किए हैं तो यहाँ पर डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा बट इस केस में हमने ज्यादा पैसे चार्ज कर लिए उससे उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे एक तरीके से ऐसे बोल सकता हो वो लोग कौन होते हैं जिनको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर होते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा तो अब ये पॉइंट मुझे लगता है कि आप आराम से लिख देंगे मुझे लिखवाने की भी जरूरत नहीं है फर्स्ट केस में क्रेडिट और दोनों केसेस में डेबिट थर्ड पॉइंट कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द क्रेडिट नोट इन द डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इन द जीएसटी रिटर्न हम जीएसटी रिटर्न में ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के बारे में बताते हैं और ये कब तक हमें बता देना चाहिए तो बिल्कुल वही टाइम लिमिट होती है जैसे कि हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाली भी थी कि हमने कोई गलत इन वगैरह रेस कर दिया था उसको हम कब तक ठीक कर सकते थे ये जो हमारा नेक्स्ट ईयर का सितंबर की रिटर्न होती है हम उसको वहां तक ठीक कर सकते हैं या फिर एनुअल रिटर्न एवर इज अर्लियर तो वो जो बातें हमने पहले भी देखी थी एमसीक्यू में देखी थी वो बातें हमने तो सेम यहां पर भी आएगा जो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या होगा वो और मुझे लगता है ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद होगी ठीक है आपको बहुत अच्छे से आपकी फैकल्टी ने बताया होगा ठीक है ये डेट्स तो काफी जगह पर आती है कि हम ये चीजें कब तक ठीक कर सकते हैं जो भी सेप्टेंबर की रिटर्न होती है उसकी डेट तो इसकी डेट क्या होती है सितंबर की रिटर्न की अगले महीने की बीस तारीख यानी कि ट्वेंटी अक्टूबर और सितंबर रिटर्न कौन सी नेक्स्ट ईयर की जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर में जिस साल गलती करते हैं उसके हम नेक्स्ट ईयर तक इसको ठीक कर सकते हैं सितंबर की रिटर्न का डेट और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है वो डेट देखते हैं इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी आप यहां पर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के बारे में बता सकते हैं ठीक है तो आई बिलीव आप आराम से कर लेंगे इसको मैं नहीं लिख पा रहा तो मुझे लगता है आप आराम से कर सकते हैं ओके अगेन अ गुड क्वेश्चन सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री बी मै एबीसी एंड कंपनी

रीजन फॉर सच डिले इज एट्रिब्यूटेबल टू डिले इन द क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर मार्च ट्वेंटी फाइनलाइज ड्यूरिंग मे ट्वेंटी हुआ क्या हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से क्लोज नहीं कर पाए थे उस पर डिले हो गया उसकी वजह से रिटर्न भी डिले हो गई ठीक है तो यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट तो आपके ऊपर लेट फीस लगा देगा जीएसटी कॉमन पोर्टल प्रॉमटेड ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन फोर्टी सेवन ऑफ द सी जी एस टी एक्टी फॉर थाउजेंड अब क्या करते हैं जब भी आप फिर आगे आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जब रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उस समय अगर पुरानी आपकी कोई भी रिटर्न लेट फाइल हुई थी तो उसकी लेट फीस वो दिखा देता है ठीक है प्रैक्टिकली में आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं लेट कर सकते हैं ठीक है रिटर्न फाइल कर सकते हैं ठीक है रिटर्न फाइल कर सकते हैं बट फिर बाद में जब कभी भी आगे फाइल करते हैं दूसरे रिटर्न तो उस समय आपके वो लेट फीस दिखा देता है कि आपने अपनी पुरानी रिटर्न लेट फाइल करी थी तो उसकी वो फीस दिखा देता है लेट फीस और वह लेट फीस हमें पे करनी पड़ती है ठीक है और वो लेट फीस कैसे पे करनी पड़ती है अपने कैश लेजर से कैश लेजर में अगर आपके कैश लेजर में पैसे हैं तो आपके वहां से पैसे कट जाएंगे अगर कैश लेजर में पैसे नहीं है तो आपको डिपॉजिट कराने पड़ते हैं वो पैसे क्या आप अपना आई टी सी लेजर यूज़ कर सकते हैं अगर मेरे पास आई टी सी में पैसे हैं बिल्कुल नहीं कर सकते आप आई टी सी लेजर देखो आपके पास जो आई टी सी लेजर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है वो सिर्फ टैक्स पे करने के लिए यूज़ हो सकता है ठीक है सिर्फ टैक्स पे करने के लिए याद है आपको ठीक है वो सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स में हम ये बातें करते हैं सेक्शन फोर्टी नाइन यहाँ पर लगता है वो ये कहता है कि आपका जो आई टी सी लेजर है उससे सिर्फ आप टैक्स पे कर सकते हैं बट अगर आपको कोई भी लेट फीस पे करनी है कोई फाइन पे करना है कोई पेनल्टी पे करनी है कोई इंटरेस्ट पे करना है उसके लिए आप आईटीसी लेजर का यूज नहीं कर सकते उसके लिए तो आपको कैश में ही पैसे जमा करने पड़े कैश का मतलब है आपके पास आपको एक्चुअली पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे पहले अपने कैश लेजर में और कैश लेजर से पेमेंट होती है इसकी आईटीसी लेजर यूज नहीं हो सकता लेट फीस के लिए तो वहां पर जीएसटी कॉमन पोर्टल ने दो का वहां पर लेट फीस दिखा दी प्रॉम्प्ट कर दी वहां पर ठीक है वहां पर लिखा हुआ जाता है इतनी लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी अकाउंटेंट ऑफ मेस ए बी सी एन कंपनी सॉट योर कन्फर्मेशन फॉर पेमेंट ऑफ सच लेट फीस तो यहां का जो अकाउंटेंट ये पूछ रहा है आपसे कि ये लेट फीस कैसे पे होगी और वो कह रहा है थ्रू द बैलेंस अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेटर से पे हो सकती है क्या बिल्कुल भी नहीं हो सकती ठीक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेटर से वो पे नहीं हो सकती गिव योर गाइडेंस इन दिस रिगार्ड तो आपको सिंपल ये बातें लिखनी पड़ेंगी चार नंबर का क्वेश्चन है ये तो आपको लिखनी ही पड़ेगी कि यहाँ पर जो ए बी सी लिमिटेड ए बी सी एन कंपनी के जो अकाउंटेंट हैं उनका व्यू ठीक नहीं है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है वी कैन नॉट पे लेट फीस फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो फीस पे नहीं हो सकती इट कैन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सिर्फ टैक्स का अमाउंट पे हो सकता है सिर्फ टैक्स का अमाउंट पे हो सकता है लेट फीस का अमाउंट पेनल्टी का अमाउंट फाइन का अमाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं होता है तो हमें ये बोलना पड़ेगा आप ठीक नहीं कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उसके लिए यूज नहीं हो सकता आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसको सिर्फ अपने कैश लेजर के थ्रू ही कैश लेजर के थ्रू ही पे करना पड़ेगा कैश लेजर में अगर पैसे हैं तो वहां से पे कर दीजिए पैसे नहीं है तो पहले वहां पर डिपॉजिट करिए पैसे कैश लेजर में कैसे डिपॉजिट करते हैं ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाता है पैसा ठीक है तो आप पहले कैश लेजर में डिपॉजिट कीजिए फिर पे कीजिएगा क्लियर हो गया चलिए फोर ए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर सेवन स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छा ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर से ले लिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेवन में तीन लिस्ट होती हैं लिस्ट ठीक है लिस्ट लिस्ट टू, लिस्ट थ्री. तीन लिस्ट लिस्ट तीन होती हैं को क्या कहते हैं हम लोग यूनियन लिस्ट लिस्ट टू को स्टेट लिस्ट और लिस्ट थ्री को कॉन लिस्ट ठीक है याद होगा आपको ये बातें तो ये कहते हैं कि तीन लिस्ट के बारे में बताइए तो लिस्ट वन यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट में जो भी बातें लिखी होती हैं जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पावर चलती है ठीक है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्कोप है वही उसके डिसीजन वगैरह उसके पास पावर होती है स्टेट लिस्ट में जो बातें लिखी होती हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल होगा यहाँ पर यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती जो बातें स्टेट लिस्ट में लिखी हैं कॉन्ग्रेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रवर्सी है वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल करती है तो यहां पर हमें तीन लिस्ट के बारे में बताना है तो आई बिलीव ये आप आराम से बता सकते हैं डिस्कस द एलिजिबिलिटी ऑफ क्यू आर एम पी स्कीम अंडर जी एस टी अब देखो क्यू आर एम पी स्कीम आई थी क्या कहती थी ये कि जो बहुत बड़े टैक्स पेयर नहीं है जिनका टर्न ओवर लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का टर्न ओवर ठीक है अगर आपका लास्ट ईयर का टर्न ओवर पांच करोड़ से ज्यादा का नहीं है टू फाइव करोड़ है लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्न ओवर एग्रीगेट टर्न ओवर पांच करोड़ से ज्यादा का नहीं है तो आप अपनी रिटर्न क्वार्टरली दे सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न आप सबमिट कर सकते हैं बट अपना टैक्स का पेमेंट मंथली कीजिएगा ठीक है आपको मंथली आपको टैक्स का पेमेंट मंथली कर दीजिएगा रिटर्न आप अपनी क्वार्टरली फाइल कर दीजिएगा ठीक क्यू आर एम पी क्यू आर एम पी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ठीक है तो इन लोगों के लिए इन लोगों के लिए रेगुलर स्कीम में है आप ठीक है क्वार्टरली वगैरह रेगुलर स्कीम में रेगुलर के लिए क्या होता है वैसे तो मंथली होता है इनको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है बट जो बहुत बड़े टैक्स पेयर नहीं है अगर आपकी लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर का प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है वहां का टर्नओवर ओवर करोड़ से ऊपर का नहीं है ठीक है टू फाइव करोड़ से तो आप

ओ आई डी ए आर वाले नहीं आते इसमें ओ आई डी ए आर वाले लोग नहीं आते बाकी के लोग इसमें आ सकते हैं ठीक है क्लियर हो गया तो ये आपका जीएसटी का पोर्शन था जो ठीक ठाक था ये जो मॉक टेस्ट पेपर बनाए हुए अच्छा काफी अच्छा मॉक पेपर था इनफैक्ट केस स्टडीज बहुत ज्यादा अच्छी थी तो आई बिलीव आप लोगों ने ये कर लिया होगा ठीक है चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर